कतल ते बलात्कार वर्गे संगीन दोषां तहत जेल च सजा कट रहे डेरा सरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं एक वार मुड़ 30 दिन की पैरोल मिलन ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सख्त एतराज प्रगटाया। उन्हें कहा कि सरकार की यह दोहरी नीति सिखा अंदर बेविश्वासी का माहौल सिरज रही है। उन्हें आख्या कि जेकर कातल अते बलात्कार के संगीन जुल्मां दे दोषी सोदा साध गुरमीत राम रहीम नूं वार वार पैरोल दी जा सकती है तो फिर बंदी सिंघा की रिहाई लई अरसे तो सिख कौम वालों उठाई जा रही आवाज़ सरकारां नूं क्यों नहीं सुन रही। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने कहा कि सरकारां वालों अपने सियासी हितां लई गुरमीत राम रहीम के घिनौने अपराधा नूं औखे अखों ओले करके उसनूं बार बार छड्डिया जा रहा। सरकारां दी अजिही नीति सिखां नूं बेगनाही का अहसास करवाउण वाली है जो देश लई ठीक नहीं है। एडवोकेट धामी ने कहा कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल नूं तुरंत रद्द करके उसनूं जेल विच बंद किया जाए। इस तो पहला श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा है कि राम रहीम नूं पैरोल मिलन उत्ते खालसा पंथ नूं इतराज़ है। उन्हें कहा कि बलात्कारी ते कातल नूं पैरोल दिती जा रही है, दूजे पासे बंदी सिंघां नूं 30 साल तो ज़्यादा समा तो जेल विच बंद रखा है, उन्होंने पैरोल नहीं दिती जा रही, सरकार उन्होंने रिहा नहीं कर रही। जथेदार ने कहा कि सरकार वार वार पैरोल दे के सिखां नूं देश विच गुलामी का एहसास करवा रही है, तो वार वार सिखां नूं नीवा दिखाया जा रहा है।